कुछ मांग समझो कह दिया। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले स्त्री टू मूवी की 51 दिनों की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और देवरा मूवी की 8 दिनों की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। और इन दोनों मूवी में से कौन सी मूवी बाजी मार चुकी है और कौन सी मूवी रह चुकी है पीछे, इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप लोग भी डेली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वीडियो देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। तो चलिए आप सबसे पहले बात कर लेते हैं स्त्री टू मूवी के बारे में, जहां इस मूवी को रिलीज हुए आज 51 दिन हो चुके हैं, लेकिन इस मूवी की कलेक्शन बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। और देवरा मूवी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी चल रही है और देवरा मूवी हिंदी में भी अच्छी कलेक्शन कर रही है, लेकिन स्त्री टू मूवी की कलेक्शन रुकने का नाम नहीं ले रही है। और ये मूवी लगातार रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है बॉक्स ऑफिस पर। ऐसे में देखने वाली बात होगी स्त्री टू मूवी की कलेक्शन और कहां तक जा पाएगी और ये मूवी लाइफ टाइम कलेक्शन के मामले में कितने करोड़ की कलेक्शन कर पाएगी, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। और इस मूवी के स्टार कास्ट में देखने को मिलने वाले राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी और श्रद्धा कपूर देखने को मिलने वाले है, जहाँ इस मूवी का बजट लगभग 80 करोड़ के आसपास था और इस मूवी को केवल हिंदी लैंग्वेज में रिलीज किया गया था। फिर भी इस मूवी ने सभी मूवी के रिकॉर्ड तोड़ चुकी है और बॉक्स ऑफिस पर एक नया रिकॉर्ड बना चुकी है और इस मूवी की 49 दिनों की ऑफिशियल कलेक्शन भी निकल कर आ चुकी है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस मूवी की 49 दिनों की टोटल इंडिया नेट कलेक्शन की। इस मूवी ने 49 दिनों में टोटल इंडिया नेट कलेक्शन कर लिया है 591 करोड़ 45 लाख और इस मूवी ने 49 दिनों में इंडिया ग्रोस कलेक्शन कर लिया 705 करोड़ 50 लाख और इस मूवी ने ओवरसीज से 49 दिनों में कलेक्शन कर लिया 134 करोड़ और इस मूवी ने 8 दिनों में वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर लिया 839 करोड़ 50 लाख और इस मूवी की 51 दिन की कलेक्शन की बात करें आज की कलेक्शन की, तो आज के दिन पर जिस तरह की ऑक्यूपेंसी देखने को मिल रही है और जिस तरह से एडवांस बुकिंग हुई है उस हिसाब से देखा जाए तो आज के दिन पर यह मूवी लगभग 40 लाख के आसपास इंडिया नेट कलेक्शन कर सकती है। ये कलेक्शन अभी अर्ली एस्टिमेट कलेक्शन है, ऑफिशियल कलेक्शन अभी आना बाकी आ गया आने वाले दिनों में और कितने करोड़ की कमाई कर सकती है, जहाँ देवरा मूवी भी हिंदी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी कलेक्शन कर रही है और स्त्री टू मूवी भी कड़ी टक्कर दे रही है देवरा मूवी को हिंदी कलेक्शन में। अब देखते हैं इस मूवी की कलेक्शन लाइफ टाइम कलेक्शन के मामले में कहाँ तक जा पाएगी और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर लाइफ टाइम कितने करोड़ की कलेक्शन कर सकती है, आप लोगों को क्या लगता है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। जहां आप देवरा मूवी के बारे में बात कर लेते तो देवरा मूवी को आज रिलीज हुए 8 दिन हो चुके हैं और इस मूवी की कलेक्शन पूरी तरह से निराश करने वाली निकल के आई है। वीकेंड में तो अच्छी कलेक्शन कर चुकी थी, लेकिन जैसे ही वर्किंग डे आई मंडे से इस मूवी की कलेक्शन पूरी तरह से ड्रॉप हो चुकी है और इस मूवी की कलेक्शन पूरी तरह से एक डिसेंट निकल के आ रही है। अब देखते हैं इस मूवी की कलेक्शन आगे आने वाले दिनों में किस तरह से निकल के आती है, लेकिन देखा जाए तो ये मूवी फिर से वीकेंड आने के बाद एक बड़ी जंप ले सकती है, लेकिन इस मूवी की कलेक्शन वर्किंग डे पर पूरी तरह से दम तोड़ चुकी है और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर उतनी खास कलेक्शन नहीं कर पा रही है। अब देखते हैं इस मूवी की कलेक्शन लाइफ टाइम कलेक्शन के मामले में कहां तक जा पाती है और इस वीकेंड में कितने करोड़ की कलेक्शन कर पाएगी, आप लोगों को क्या लगता है। और आप लोगों ने देवरा मूवी को देख लिया है तो ये मूवी आप लोगों को कैसे लगी है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। जहां इस मूवी ने अभी तक जिस तरह से कलेक्शन करके दिखाया जो कि पूरी तरह से निराश करने वाली कलेक्शन निकल के आई है वर्किंग डे पर, तो चलिए आप बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टार कास्ट की। तो इस मूवी की स्टार कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जूनियर NTR, जाह्नवी कपूर और सैफ अली खान देखने को मिलने वाले हैं, जहां इस मूवी को तेलुगु तमिल मलयालम कन्नड़ा के साथ इस मूवी को पैन इंडिया लेवल पर रिलीज किया गया था और इस मूवी ने पैन इंडिया लेवल पर एक डिसेंट कलेक्शन कर चुकी है। वीकेंड में तो अच्छी कलेक्शन कर चुकी थी और ये मूवी अपने बजट के हिसाब से एक ठीक ठाक कलेक्शन कर चुकी है, लेकिन वर्किंग डे आने के बाद पूरी तरह से ड्रॉप हो चुकी है और इस मूवी की कलेक्शन अब उतनी खास भी निकल के नहीं आ रही है। देवरा मूवी ने पहले दिन पर और दूसरे और तीसरे दिन पर पूरी तरह से रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन कर चुकी थी, ऐसा लग रहा था कि इस मूवी ने सभी की उम्मीदों से ज्यादा की कलेक्शन कर चुकी है और इस मूवी को जबकि नेगेटिव रिस्पांस मिलने के बाद भी एक बड़ी कलेक्शन कर सकती है ऐसा लग रहा था, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ। इस मूवी की कलेक्शन में एक बड़ी ड्रॉप देखने को मिली वर्किंग डे आने के बाद और यही वजह थी कि इस मूवी की कलेक्शन पूरी तरह से ड्रॉप हो चुकी है और इस मूवी की कलेक्शन हो सकता है वीकेंड में एक बड़ी जंप ले सकती है, लेकिन लगता नहीं है कि ये मूवी एक बड़ी जंप ले सकती है और एक बड़ी कलेक्शन कर सकती है। इस मूवी के शुरुआती 6 दिनों की नेट कलेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं तो इस मूवी ने पहले दिन पर इंडिया नेट कलेक्शन कर लिया था 82 करोड़ 50 लाख और इस मूवी ने दूसरे दिन पर इंडिया नेट कलेक्शन कर लिया था 38 करोड़ 20 लाख और इस मूवी ने तीसरे दिन पर नेट कलेक्शन कर लिया था 39 करोड़ 90 लाख और इस मूवी ने चौथे दिन पर 12 करोड़ 75 लाख और इस मूवी ने पांचवें दिन पर
14 करोड़ और इस मूवी ने छठवें दिन पर 21 करोड़ की इंडिया नेट कलेक्शन कर चुकी है और इस मूवी ने 6 दिनों में टोटल इंडिया नेट कलेक्शन कर लिया है 208 करोड़, जो कि एक डिसेंट कलेक्शन है अपने बजट के हिसाब से। देखा जाए तो ये मूवी अपने बजट के हिसाब से ठीक ठाक नेट कलेक्शन कर चुकी है। अगर इस मूवी की वर्किंग डे पर अच्छी कलेक्शन निकल के आती तो इस मूवी की नेट कलेक्शन लगभग 280 करोड़ के आसपास जा सकती थी अगर ये मूवी वर्किंग डे पर अच्छी कलेक्शन कर पाती। देवरा मूवी की भी नेट कलेक्शन हाईएस्ट कलेक्शन निकल के आ सकती थी अगर इस मूवी की वर्किंग डे पर ज्यादा ड्रॉप देखने को नहीं मिलती और ये मूवी ठीक ठाक कलेक्शन कर पाती तो इस मूवी की कलेक्शन नेट कलेक्शन के मामले में भी हाईएस्ट कलेक्शन कर सकती थी। लेकिन इस मूवी की वर्किंग डे आने के बाद पूरी तरह से ड्रॉप हो चुकी है और यही वजह है कि ये मूवी उतनी खास नेट कलेक्शन भी नहीं कर पाई और इस मूवी ने 6 दिनों में टोटल इंडिया नेट कलेक्शन कर लिया है 208 करोड़ 35 लाख और इस मूवी ने 6 दिनों में इंडिया ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है 246 करोड़ 75 लाख और इस मूवी ने 6 दिनों में ओवरसीज से कलेक्शन कर लिया है 67 करोड़ 50 लाख और इस मूवी ने 6 दिनों में वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर लिया 314 करोड़ 25 लाख और इस मूवी के 7वें दिन के इंडिया नेट कलेक्शन की बात करें तो इस मूवी ने 7वें दिन पर इंडिया नेट कलेक्शन कर लिया 7 करोड़ 25 लाख और इस मूवी ने 7 दिनों में टोटल इंडिया नेट कलेक्शन कर लिया 215 करोड़ 60 लाख और इस मूवी की 8वें दिन की कलेक्शन की बात करें आज की कलेक्शन की तो आज के दिन पर जिस तरह की ऑक्यूपेंसी देखने को मिल रही है और जिस तरह से एडवांस बुकिंग हुई है उस हिसाब से देखा जाए तो आज के दिन पर यह मूवी लगभग 5 करोड़ 50 लाख के आसपास इंडिया नेट कलेक्शन कर सकती है। ये कलेक्शन अभी अर्ली एस्टिमेट कलेक्शन है, ऑफिशियल कलेक्शन अभी आना बाकी, आगे आने वाले दिनों में और कितने करोड़ की कमाई कर सकती है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप लोग भी डेली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी सिलेक्ट कर लीजिएगा ताकि हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों से बहुत जल्द मिलते हैं और एक नए वीडियो में।